हेलो एवरीवन, फाइनली मेरा एप्लीकेशन वाला वीडियो आ चुका है जिसमें मैं बताऊंगा एप्लीकेशन लिखना आपको और व्हाट इज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या होता है, यूजेस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का क्या यूज़ है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन होता क्या है। एप्लीकेशन कोई भी राइटिंग जो हम लोग किसी के रिक्वेस्ट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग लेटर भी लिखते हैं, ठीक है, तो वो भी एप्लीकेशन की कैटेगरी में ही आएगा, बट वो डिफरेंट टाइप का, वो फॉर्मल अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग एप्लीकेशन रिगार्डिंग होगा, क्योंकि इसका सिंपल मतलब है अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन होगा। अब इसका यूजेस कहाँ पे होगा, कॉलेजेस में हो सकता है, स्कूल्स में हो सकता है, या फिर कोई जॉब अगर आप करते हैं तो वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एप्लीकेशन क्यों लिखते हैं, आप ये जान लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन हम लोग का लिखने का मेन कारण होता है नोटिस पीरियड जारी होता है। अगर मान के चलिए किसी को भी, या फिर कोई है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, अगर उसको कुछ दिन के लिए लीव चाहिए, या फिर कोई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कुछ दिन का लीव चाहिए, कोई मैरिज में जाना है या फिर कुछ अटेंड करना है, पार्टी, कुछ भी हो, बट उसको एप्लीकेशन अगर लिखना है कुछ दिन के लिए, उसको छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लिखेगा प्रिंसिपल को या फिर टीचर को या फिर जो भी अथॉरिटी द्वारा उसको रिक्वेस्ट फॉलो कर, मतलब मिलता है, उसके बाद वो कहीं पर भी जा सकता है या फिर उतना दिन का छुट्टी ले सकता है। ठीक है, मान के चलिए मैक्सिमम ये चीज एप्लीकेशन जो यूज़ होता है वो एग्जाम के टाइम पे होता है। काफ़ी बच्चे को एग्जाम के समय बहुत सारे काम होते हैं या फिर कोई इमरजेंसी काम आ गया जिसके कारण उनका एग्जाम छूटने वाला रहता है, तो उस समय एप्लीकेशन का मेनली यूज़ करता है। एप्लीकेशन लिखता है लोग से, सर हम इतना दिन तक ले नहीं रहने वाले हैं, मैम जो भी अथॉरिटी को, और वहाँ पर रिक्वेस्ट करता है सर मेरा एग्ज़ाम छूट सकता है तो कृपया करके मेरा बाद में कंटेंट करवा लीजिए, फिर ऐसा कुछ कीजिए जिसके कारण मेरा जो रिजल्ट है वो ख़राब ना हो पाए। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट उस समय देता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, उसका यूजेस तो हम लोग देख लिए, अब एप्लीकेशन लिखना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, इसके लिए मेनली हम तीन तरह बताएंगे आपको। ठीक है, पहला जो है आपको फोटो मिल जाएगा जो मैं पोस्ट कर दूंगा, जो कि आपका फोटो रहेगा, आप प्रिंटिंग के द्वारा या फिर मोबाइल में या फिर आप चाहें तो कंप्यूटर में कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर आपका कॉपी में लिख के हम बताएंगे, और तीसरा हम आपको बोर्ड पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या आपको लिखना है, कहाँ पे क्या भरना है। ठीक है, देखिए अब एप्लीकेशन में हम लोग को क्या क्या लिखना है, पहला टू द प्रिंसिपल हम लोग लिखेंगे या फिर जो भी अथॉरिटी है उनके पास हम लोग नाम उनका लिख देंगे, अथॉरिटी में टीचर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, या फिर वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो भी है उनका, फिर स्कूल या फिर कॉलेज का नाम लिख देंगे, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम या फिर उसका एड्रेस, कॉलेज का, स्कूल का नाम और एड्रेस के साथ। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ, हिंदी इंग्लिश नहीं, ये सब्जेक्ट है, आप क्यों छुट्टी पे जाना चाहते हैं या फिर क्यों आप लीव लेना चाहते हैं या फिर क्या आपका पर्पस है इस लेटर को लिखने के लिए या फिर एप्लीकेशन को लिखने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पेक्टेड सर और मैम। ठीक है, जिसमें हम लोग पहले इतना लिखने के बाद हम लोग अपना डिटेल भर देंगे, जैसे आपका नाम क्या होगा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, आपका सेक्शन कौन सा हुआ है, ये सब आप डिटेल दीजिएगा। फिर अपना पर्पस बताइएगा, सर हाँ मुझे क्यों छुट्टी चाहिए, ठीक है, कितने दिन के लिए छुट्टी चाहिए, ये सब इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप लिख लेगा, सर मुझे रिक्वेस्ट करना है सर को। ठीक है, गारंटी माई रिक्वेस्ट आप करके लिख सकते हैं, सर हाँ मेरा रिक्वेस्ट को अलाउ कर दीजिए, मुझे छुट्टी मिल जाए। ठीक है, लास्ट में ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको प्योर ओबीडियंट स्टूडेंट लिख सकते हैं, सिंसियर या फिर ये सब का यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपका क्या लिखना होगा, नेम, क्लास, रोल नंबर। ठीक है, अगर पेरेंट्स का सिग्नेचर लगता है आपके कॉलेज या स्कूल में तो यहाँ पे आप पेरेंट्स का सिग्नेचर भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो वीडियो आगे मैं अपलोड कर रहा हूँ ये पेपर का होगा। ठीक है, और पेपर में मैं कैसे लिखा हूँ उसको आप देख के एक एब्जॉर्ब करके बता सकते हैं, सर हाँ इस टाइप के हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, अब आगे पेपर वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा।